हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स। ये हमारा एक लेक्चर सीरीज होने वाला है जिसमें हम इकोलॉजी यूनिट को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, राइट। कैसे हम बेटर से बेटर, आपको तकरीबन अगर कहा जाए तो ये 50 मार्क्स के अप्रोक्स ये आपको यूनिट देता है। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही ईजी ट्रिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, इस बेसिकली यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं और उसमें हम देखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये आपके इकोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो हम आज इस चैप्टर से शुरू करते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी सिंपली कहने का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इंट्रैक्शन, राइट, हाउ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट हाउ दे आर इंट्रैक्टिंग विद इटसेल्फ। सो ये बेसिकली ये आपका इकोलॉजी डील करता है। तो ये वो बायोलॉजी या फिर वो साइंस का ब्रांच है जो कि बेसिकली ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच का इंट्रैक्शन को बताता है, राइट। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में, राइट। तो आपने इसको समझने के लिए एक बेसिक सा चीज देखते हैं, जैसे हमने सेल पढ़ा था सेल का क्लास 11 में, फिर हमने टिश्यू चैप्टर भी पढ़ा था, राइट, फिर हमने टिश्यू सिस्टम भी देखा था, देन बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, राइट, देन ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन आपके ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, राइट। ये तो हमने अब तक देख लिया। अब अगर मैं बात करूं, ये आपका क्लास 11 में, ये आपने टिश्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में पढ़ा और ये आपने एनिमल फिजियोलॉजी में कवर कर लिया। अब बात करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली दी बेसिक, अगर ये ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो दिस इज दी स्मॉलेस्ट, दिस ऑर्गेनिज्म इज दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। So the smallest unit of ecology. मतलब हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इकोलॉजी की बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म से हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हम आगे देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म, हमने जब हम ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या आपका पॉपुलेशन फॉर्म होता है, तो आपका पॉपुलेशन फॉर्म होगा और बहुत सारे पॉपुलेशन, जैसे डॉग का पॉपुलेशन, कैट का पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन, ये मिलकर के एक कम्युनिटी फॉर्म करता है, ये मिलकर के एक कम्युनिटी फॉर्म करता है। और इस कम्युनिटी में बहुत कुछ आपके फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स मिलकर के ये आपका क्या फॉर्म करेगा, इकोसिस्टम फॉर्म करेगा, राइट। एंड देन इकोसिस्टम मिलकर के फिर आपका क्या फॉर्म करेंगे, इट इज गोइंग टू फॉर्म द बायोम, एंड देन बहुत सारे बायोम, इट इज गोइंग टू फॉर्म द बायोस्फेयर, राइट। तो यहां से लेकर के स्टार्टिंग अगर देखा जाए, सेल से लेकर के और यहाँ तक हमने क्लास अब 11th में या उससे पहले की क्लासेस हमने तक डील कर लिया। अब जो हम इकोलॉजी यूनिट में हम बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म से लेकर के बायोस्फीयर तक की हम बात करने वाले हैं, राइट। जैसे अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिज्म क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। मतलब हम इकोलॉजी जब भी बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, बायोम के बारे में और बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। बट इस चैप्टर में जो हमें जिसके बारे में बात करना है वो एक ये है और ऑर्गेनिज्म और दूसरा एक ही है पॉपुलेशन, राइट। तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन की बगैर जो अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं, राइट। बट ये जो है ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट में, ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। जैसे आपका ए बायोटिक फैक्टर्स हो सकता है, तो वो ए बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो ए बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका हो गया टेम्परेचर, जैसे कि आपका टेम्परेचर, जैसे आपका वाटर, जैसे आपका सॉइल, राइट, और क्या बचा, जैसे आपका लाइट, या लाइट बच गया, ओके। तो ये आपके एबायोटिक फैक्टर्स हो गए जिस भी जो कि आपके इंट्रैक्शन में अफेक्ट करते हैं, राइट। क्या सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स है, नहीं, बायोटिक फैक्टर्स भी है। बायोटिक फैक्टर्स कहने का मतलब है कि वो फैक्टर जो कि आप ऑर्गेनिज्म के बीच के इंट्रैक्शन को बताता है। जैसे अगर दो ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में कंपटीशन हो रहा होगा, राइट, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा होगा। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंट्रैक्शन एक प्रेडेशन के फॉर्म में भी हो रहा होगा, राइट। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंट्रैक्शन
पैरासिटिज्म के बीच में हो रहा होगा। तो ये बहुत तरह के इंट्रैक्शन है जो कि जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।